हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम इन दिस चैनल। बेटा, हम इस लेसन का जो आधा पार्ट है वो पढ़ चुके हैं, अ विजिट टू एंकोर वाट का, जिसमें हमने मंदिर के बारे में, उसके रहस्यों के बारे में पढ़ा है। अभी भी हम आगे और क्या पढ़ रहे हैं, इसके अंदर और भी बहुत सारे रहस्य हैं जिनके बारे में हम पढ़ रहे हैं। हम इसका एक पार्ट पढ़ चुके हैं और आज हम इसका सेकेंड पार्ट पढ़ने जा रहे हैं। द वेरी स्टेप स्टीप दैट लीड फ्रॉम वन स्टोरी टू अनदर गिव इट अ सिंगुलर इफेक्ट ऑफ हाइट, कि आप जैसे एक मंजिल से दूसरी मंजिल पे जाने वाली जो सीढ़ियाँ हैं वो क्या करती हैं, बराबर की हाइट की हैं, एक दूसरे को क्या करती हैं, विलक्षण प्रभाव वो देती हैं। सिंगुलर इफेक्ट होता है विलक्षण प्रभाव देना। दे आर नॉट द ब्रॉड, वो ज़्यादा चौड़ी नहीं है, एंड नोबल स्टेयर ऑफ द वेस्ट, पश्चिम की तरफ से क्या नहीं है, वो ज़्यादा चौड़ी और महान सीढ़ियाँ नहीं है। फिट फॉर द पेगनेंट्री ऑफ प्रोसीजंस बट एन आर्डेस एंड हरिड मीन्स ऑफ असेंट टू द प्रजेंस ऑफ अ सीक्रेट एंड मिस्टीरियस गॉड, कि वो सीढ़ियाँ ज़्यादा चौड़ी और महान नहीं है, लेकिन वो कैसी हैं, वो सीढ़ियाँ हैं आर्डस होता है मुश्किल से जाने वाली, उसके अंदर जो चढ़ाई है वो बहुत मुश्किल है और भगवान तक पहुंचने का वो एक तेज साधन है, कि रहस्यमय भगवान है वहाँ पर, उन तक पहुंचने का एक वो साधन है। दे रेंडर द डिवाइनिटी रिमोट एंड एनिग्मेटिक, कि ये क्या है, देवता दूरस्थ और रहस्यपूर्ण को प्रस्तुत करती हैं। ऑन ईच स्टोरी, हर एक मंजिल के ऊपर, फोर ईच आर लार्ज संकन बेसिन, की बेसिन होते हैं जो हैंड वॉश वगैरह के लिए होते हैं, चार दसे हुए बेसिन है उसके ऊपर, इन विच वॉज वाटर फॉर प्योरिफिकेशन, कि जिस पर क्या होता है, प्योरिफिकेशन होता है, पानी को साफ करना, जहाँ पर वाटर साफ होता है। एंड द वाटर एट दिस स्ट्रेंज हाइट, और जो पानी है वो इतनी ऊंचाई पर, मस्ट हैव एडिड स्ट्रेंजली टू द साइलेंस एंड द एव, कि वो पानी क्या होता है, एक अजीब तरीके से सन्नाटा और विस्मय से उस पानी को एडिड होता है, जोड़ना उसको जोड़ा गया है। द टेम्पल्स आर एम्पटी ऑफ रिलीजन, जो ये धर्म के मंदिर हैं ये बिल्कुल खाली हैं। एंड द गॉड लिव्स एलोन, कि यहाँ पर भगवान अकेले रहते हैं, एक्सेप्ट एट स्टेडिड पीरियड, कि कौन से में, कुछ निर्दिष्ट अवधियों को छोड़कर, वैन जब द डिवोटीज ब्रिंग गिफ्ट टू अपीज हिम, कि जो डिवोटी है, भगत हैं, वो अपने देवता को प्रसन्न करने के लिए उपहार लेके आते हैं। इट इज द हाउस, परंतु ये अब जो घर है, नाउ अब ऑफ इनमरेबल बेड्स एंड द एयर इज फिटेड विद देम, कि उनके अंदर क्या भरी हुई है, असंख्य तो चमगादड़ हैं वहाँ पर, और उन चमगादड़ों में भी क्या है, वहाँ पे हवा भरी हुई है। इन ईच डार्क पैसेज, हर एक अंधेरे मार्ग में, एंड सोम्बर चैम्बर यू हियर देयर ट्विटरिंग, उदास कक्ष में तुम उसके चहचहाने की आवाज़ को सुन सकते हो। द प्लेनस ऑफ कंस्ट्रक्शन गिवन द स्कल्पचर्स एम्पल ओकेजन फॉर डेकोरेशन, कि यहाँ की जो सादगी है, मूर्तियों की जो सजावट है, वो क्या देती है, निर्माण का पर्याप्त अवसर देती है। पिलास्टर्स, पेडिमेंट्स, डोरवेज एंड विंडो, कि यहाँ पे जो प्लिस्टर्स बने हुए हैं, पेडिमेंट हैं, डोरवे दरवाजे बने हुए हैं, और जो खिड़कियाँ बनी हुई हैं, आर इनरिच्ड विद कार्विंग ऑफ एन अनइमेजिनेबल वेराइटी, उसके अंदर जो अकल्पनीय किस्म की नक्काशी की गई है वो बहुत ही सुंदर है। द थीम्स आर फ्यू, थीम तो बहुत कम है, बट ऑन देम, परंतु उनके ऊपर, द एम्ब्रॉयडर्ड मैनी ब्यूटिफुल इन्वेंशन, लेकिन नक्काशी के क्या किए गए हैं, बहुत ही खूबसूरत इन्वेंशन आविष्कार किए गए हैं। हेयर दे हैड अ फ्री हैंड एंड विद अ फ्री ऑफ क्रिएशन क्रैम्ड इनटू दीज नैरो लिमिट्स ऑल द एडवेंचर्स ऑफ देयर इम्पेटस सोल, कि वो क्या कह रहे हैं, कि यहाँ पे उनके पास क्या था, एक स्वतंत्रता हाथ था और सृष्टि के रोष के साथ इन संकीर्ण सीमाओं में बंधा हुआ था, और उनकी तेज आत्माओं का जो रोमांस था वो भी इसके साथ शामिल था। इट इज इंटरेस्टिंग टू नोट, ये ध्यान देने वाली, इंटरेस्ट वाली बात है, एज यू गो फ्रॉम टेम्पल टू टेम्पल, कि जब तुम एक मंदिर से दूसरे मंदिर में जाओगे, हाउ इन द कोर्स ऑफ सेंचुरीज दीज अननोन क्राफ्टमैन पास्ड फ्रॉम रूड स्ट्रेंथ टू कंसुमेट ग्रेस, हाउ एट फर्स्ट रिगार्डलेस ऑफ द होल दे मेड देयर डेकोरेशन एंड इन इट सेल्फ, कि इसमें ये कहा गया है कि आप ये देखोगे कि उनके अंदर कितनी क्राफ्टमैन के अंदर कितनी ताकत थी,
कितने वो अच्छे शिल्पकार थे कि वो उन्होंने सबसे पहले पूरी तरह से बिना बिना कुछ सोचे समझे कि उन्होंने अपनी पूरी इतनी मेहनत लगाई और उसको क्या कर दिया, अपने आप से ही उसको ख़त्म कर दिया। बट एट लॉन्ग लास्ट लर्न टू सबमिट, परंतु अंत में आप ये देखते हो देमसेल्फ अपने आप से टू द जर्नल प्लान कि ये उनका क्या था, एक साधारण सा प्लान, सामान्य सी योजना थी। वट दे लॉस्ट इन पावर, उन्होंने ताकत में क्या खोया, दे गेंड इन टेस्ट और उन्होंने मजे में क्या प्राप्त किया, इट इज फॉर ईच वन टू से विच ही प्रेफर। और इसमें हम ये कह सकते हैं कि प्रत्येक को ये कहना ही है कि वो किसे पसंद करता है। द गैलरीज आर एडोर्न विद बास बिलीफ, जो गैलरी है वो बहुत ही सुंदर तरीके से सजाई गई है। दे आर इंटरमिनेबल, दे आर वर्ल्ड फेमस, वे क्या है, अनंत है। इंटरमिनेबल क्या होती है, अनंत है, और वर्ल्ड फेमस संसार में प्रसिद्ध हैं। हियर यू हैव प्रिंसेस ऑन एलिफेंट, तुम यहाँ देख सकते हो कि जो राजकुमार है वो हाथी पर बैठा है विद स्टेट अम्ब्रेला, उसके हाथ में उसके ऊपर जो अम्ब्रेला लेके लोग खड़े हैं, ओपन ओवर देयर हेड्स मेकिंग अ प्रोग्रेस अमंग ग्रेसफुल ट्रीज। और इस तरीके से लग रहा है कि वहाँ पे जो राजा है, राजकुमार है, उसके ऊपर छतरियाँ बनाई हुई हैं, उनके सिर लंबे हैं और वो सुंदर से पेड़ों के बीच में क्या कर रहे हैं, प्रगति कर रहे हैं। दे फ्रॉम अ प्लीजिंग पैटर्न विच इज रिपीटेड अलोंग द लेंथ ऑफ अ वॉल लाइक द पैटर्न ऑफ अ पेपर, और ये जो डिजाइन बना हुआ है ना, ये पूरी दीवार के ऊपर इस तरीके से डिजाइन बना हुआ है मानो एक कागज का जो पेपर होता है उसके ऊपर जो पैटर्न बनाया जाता है, उसी तरीके से पूरी दीवार के ऊपर इसी डिजाइन को रिपीट किया गया है। देयर यू हैव लॉन्ग लाइन्स ऑफ सोल्जर मार्चिंग इन टू बैटल, तुम एक जो सिपाही होते हैं उनकी लंबी सी लाइन देख सकते हो युद्ध करते हुए की। एंड द गेस्चर्स ऑफ देयर आर्म्स एंड द मूवमेंट ऑफ देयर लेग्स, आप उनके हाथों के मूवमेंट को और पैरों की गतिविधियों को भी देख सकते हो। फॉलो द सेम फॉर्मल डिजाइन, कि सबके अंदर एक जैसा डिजाइन मिलेगा, एज दैट ऑफ द डांसर इन अ कम्बोडियन डांस, और उसके अंदर जो डांसर बनाए गए हैं, जिस तरीके से लोग कम्बोडिया में डांस करते हैं उसी तरीके से डांसर के हाथों और पैरों को, सब चीज़ों को बिल्कुल सेम बनाया गया है। एवरी इंच ऑफ द स्पेस इज कवर्ड विद फिगर्स, कि इस मंदिर की एक दीवार का एक हिस्सा भी खाली नहीं है, एक इंच हिस्सा भी उनके ऊपर फिगर्स बनी हुई हैं, कि मूर्तियों के जैसे लेडीज या जेंट्स की फिगर्स बनी हुई हैं, हॉर्सेज, घोड़े, एलिफेंट्स, हाथी एंड चैरेट और रथ। You can discern neither plan nor pattern, तुम ना तो इसके प्लान को, पैटर्न को समझ सकते हो, ना तुम इसकी योजना को समझ पाओगे। And only the chariot wheel rest the eyes in this cause, और यहाँ पे क्या है, जो केवल रथ के पहिए हैं वो इस अराजकता में आंखों को आराम देते हैं। For it was not beauty, ये केवल एक खूबसूरती ही नहीं, that the artist should, but action, they cared little for the elegance of gesture or purity of line, उसके अंदर क्या है, इसमें सुंदरता ही नहीं है, परंतु जो कलाकारों ने चाहा था वो कार्रवाई भी की है, वे हाव भाव की, शान और रेखा की शुद्धता की बहुत कम परवाह करते थे। Here is nothing of the harmony of the Greek, यहाँ पे यूनानियों के सामंजस्य के बारे में कुछ भी नहीं लिखा हुआ है, but the rush of a torrential stream and the terrible They meant life of the jungle, लेकिन इसके अंदर क्या लिखा हुआ है, यहाँ मूसलाधार भारी की भीड़, भयानक और प्रचंड जंगल के जीवन के बारे में लिखा हुआ है। ये है आपका लेसन, और अब हम करेंगे इसके क्वेश्चन आंसर और फिलिंग द ब्लैंक्स। हेलो स्टूडेंट्स, हमने इस चैप्टर को पढ़ लिया बेटा, अब हम कर रहे हैं इसकी क्वेश्चन आंसर, फिलिंग द ब्लैंक्स और ट्रू फॉल्स वगैरह। अगर आपको मेरा पढ़ाया हुआ पसंद आता है तो आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिल सके। आपका क्वेश्चन नंबर वन है, व्हाट हैज़ क्लेम्ड द अटेंशन ऑफ द आर्कियोलॉजिस्ट, आर्कियोलॉजिस्ट का अटेंशन अपनी तरफ कौन खींचता है, एंकोर वुड। वेयर डज द सनराइज, सूरज कहाँ उगता है, बिहाइंड द फाइव टावर्स। द टेम्पल एंड इट्स डिपेंडेंट्स आर बिल्ट ऑन अ स्ट्रिक्टली, किस पे बना हुआ है, एक फॉर्मल प्लान पे। द टेम्पल आर एम्पटी ऑफ रिलीजन। Why was water kept in the large basin on each story? For purification, पानी को शुद्ध करने के लिए। ये आपके ब्लैंक हैं, पहले ब्लैंक में आएगा एंकोर, सेकेंड में वुड, तीसरे में बास रिलीफ, नेक्स्ट पे है फिगर्स, हॉर्सेज, एलिफेंट एंड चैरेट्स, लास्ट वन इज ब्यूटी। मैच द फॉलोइंग, एंकोर वॉट,
फेमस टेम्पल, एंकोर कैपिटल ऑफ अ ग्रेट एम्पायर, गैलरीज बास रिलीफ, मास्टिक टावर स्प्रिट्स हाई सिटाडेल और संकन बेसिन वाटर प्यूरिफिकेशन। आप इनको लाइन से भी मैच कर सकते हैं और ये सबसे बेस्ट तरीका है ताकि आपकी बुक भी ख़राब नहीं हो और आपको समझ में भी आ जाए कि इसका आंसर कौन सा है। कई बार क्या होता है कि एक ही साथ दो दो तीन तीन लाइन चलती हैं, आप उनको समझ नहीं सकती। नेक्स्ट वन इज ट्रू फॉल्स। फर्स्ट में है ट्रू, सेकेंड फॉल्स, थर्ड ट्रू, फोर्थ ट्रू और फिफ्थ है फॉल्स। नेक्स्ट है हमारी क्वेश्चन आंसर। क्वेश्चन आंसर है व्हाट इज द कंजेक्चर अबाउट एंकोर वर्ड। एंकोर वर्ड के बारे में क्या कंजेक्चर है? सम ऑफ द टेम्पल्स लुक एज थो दे हैड बीन इन अ सिग्निफिकेंट पार्ट वांट ओनली डेस्ट्रॉयड द रेस्ट स्लेव इरेक्ट दीज मैसिव बिल्डिंग्स इन वेगियंस। दिस इज जस्ट कंजेक्चर कि यहाँ पे जो मंदिर हैं उनके कुछ महत्वपूर्ण हिस्सों को ही बर्बाद किया गया और उन हिस्सों को बर्बाद करने वाले कौन थे? वहाँ पे जो दास रहते थे उन लोगों ने ही बदला लेने के लिए इनको ख़त्म कर दिया था। आपका सेकेंड नंबर जो क्वेश्चन है वो है राइट अ ब्रीफ नोट ऑन एंकोर वर्ड। एंकोर वर्ड पे एक ब्रीफ नोट लिखना है आपको। द टेम्पल ऑफ एंकोर वर्ड आर द लार्जेस्ट रिलीजियस मोन्यूमेंट इन द वर्ल्ड। इट वॉज ओरिजिनली कंस्ट्रक्टेड एज अ हिंदू टेम्पल डेडिकेटेड टू गॉड विष्णु फॉर द खमेर एम्पायर। इट इज प्लेस ड्यू टू ईस्ट एंड वेस्ट एंड द सन राइज इज डायरेक्टली बिहाइंड द फाइव टावर्स दैट सरमाउंट इट। इट इज सराउंडेड बाई ब्रॉड मोट एंड द ट्रीज आर डेलिकेटली रिफ्लेक्टेड इन द स्टिल वॉटर। ये जो क्वेश्चन है ये इसके बारे में बताया गया है कि जो एंकोर वर्ट है वो संसार में सबसे जो बड़ा मंदिर है और धार्मिक मंदिर है और इसको हिंदू टेम्पल के अकॉर्डिंग ही कंस्ट्रक्ट किया गया है, कंस्ट्रक्ट किया गया था और ये भगवान विष्णु को समर्पित था और ईस्ट और वेस्ट के कारण इस तरीके से होता है कि फाइव टावर के पीछे इसमें सूर्य उदय होता है और ये चारों तरफ से पेड़ों से घिरा हुआ है और पेड़ों की परछाई को आप कहाँ देख सकते हो? पानी के अंदर बिल्कुल देख सकते हो। थर्ड क्वेश्चन इज डिस्क्राइब हाउ एक्शन आर विविध इन द स्कल्पचर ऑन एंकोर वर्ट कि वहाँ पर क्या क्या होता है। एट डान व्हेन द कंट्री इज बाथ इन अ स्लेवरी मिस्ट कि जब सुबह के समय में पूरी जो पूरा देश होता है जो चांदी की चांदनी में नहाया हुआ होता है। द टावर ऑफ द एंकोर वर्ट हैव एन एरिड आइटनेस और जो एंकोर वर्ट होती है उसमें हवा की जो लाइटनेस होती है विच दे लेकिंग उन वो क्या दिखाती है? कमी दिखाती है। किसकी? द हार्ड वाई लाइट ऑफ नून कि दोपहर की जो रोशनी होती है उसकी कमी को दर्शाती है। When sun rises and sets, a miracle is performed. कि जब सूरज उगता है और छिपता है तब वहाँ पर क्या होता है? एक चमत्कार होता है। During the moonlight, it gives a loveliness that touches the heart. और जब चांद की चांदनी आती है तो इसे एक प्यारापन देती है जो हमारे दिल को छू जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है why is it important to look after our ancient monument? कि हमारे जो ancient monument है उनकी देखभाल क्यों करनी चाहिए? इट इज इम्पॉर्टेंट टू लुक आफ्टर आवर एंशियंट मोनूमेंट अदरवाइज दे ऑल विल गेट रून नहीं तो वो क्या हो जाएंगे? बर्बाद हो जाएंगे। इतना आपके क्वेश्चन के अंदर दिया हुआ है, आपको यहीं से लिखना है दे ऑल विल गेट रून, वे क्या हो जाएंगे? बर्बाद हो जाएंगे। एंड लास्ट वन इज राइट अ शॉर्ट नोट ऑन टेम्पल्स आर्किटेक्चर। टेम्पल के अंदर जो आर्किटेक्चर है उसके ऊपर एक नोट लिखना है आपको। The temple and its dependencies are built on a strictly formed plan. This part balances that and one-sided repeat the other. कि इसमें जो भी formal plan के according ये मंदिर बनाया गया है इसके एक हिस्से को बनाया जाए तो दूसरा सेम उसी तरीके से रिपीट होता है। The very steep steps that lead from one story to another give it a singular effect of height. और इसकी एक मंजिल से दूसरी मंजिल को अगर देखा जाए रिपीट किया जाए तो इसमें जो सीढ़ियाँ वगैरह हैं जो एक मंजिल से दूसरी मंजिल है वो क्या करती हैं? एक दूसरे को इफेक्ट करती हैं हाइट में।
द स्टेयर आर नॉट ब्रॉड, इसमें सीढ़ियाँ भी चौड़ी नहीं है। ईच स्टोरी हैज फोर बेसिन, और हर एक मंजिल पे चार बेसिन्स लगे हुए हैं। डोरवेज एंड विंडोज हैव ब्यूटीफुल एम्ब्रॉयडरी, डोरवेज और जो विंडो है उनके ऊपर बहुत खूबसूरत नक्काशी की हुई है। देयर आर मैनी फिगर्स, हॉर्सेज, एलिफेंट, चैरेट एंड सोल्जर मार्चिंग इन टू बैटल ऑन द वॉल, और दीवार के ऊपर बहुत सारी फिगर्स बनी हुई है हॉर्सेज, एलिफेंट्स वगैरह की। ये है आपकी क्वेश्चन आंसर। नेक्स्ट है आपका वन वर्ड लिखना है। आपको फर्स्ट लेटर यहाँ पे दिया हुआ है, फर्स्ट में आएगा जियोलॉजिस्ट, सेकंड में आपका आएगा एंथ्रोपोलॉजिस्ट, थर्ड में आपका आएगा डिसऑर्डर के लिए होता है न्यूरोलॉजिस्ट, नंबर फोर्थ में आएगा ट्रीटमेंट के लिए होता है साइकाइट्रिस्ट, नंबर फाइव में आएगा कार्डियोलॉजिस्ट, और नंबर फाइव में आएगा साइकाइट्रिस्ट, नंबर सिक्स में आपका आएगा हिस्टोरियन। नेक्स्ट है आपका नाउन, आपको छाटने हैं इसके अंदर से। अंडरलाइन द नाउन, नाउन को अंडरलाइन करना और उनका नेम बताना। आपको नाउन फाइव टाइप के होते हैं, कॉमन, प्रॉपर, कलेक्टिव, मटेरियल और एब्स्ट्रैक्ट। फर्स्ट में है हेल्थ और वेल्थ, क्योंकि इन दोनों को ही हम ना तो टच कर सकते हैं ना सी कर सकते हैं, तो इसीलिए इसको क्या बोला जाता है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। क्लास है ग्रुप ऑफ चिल्ड्रन, देन वी से इट कलेक्टिव नाउन। टेबल होती है कॉमन, वुड लकड़ी होती है, मटेरियल सामान। दिव्या प्रॉपर नाउन है, फ्रेंड कॉमन नाउन। विक्रम प्रॉपर नाउन, विजडम एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ऑनेस्टी एब्स्ट्रैक्ट नाउन। अ स्कूल ऑफ वेल्स होता है कलेक्टिव, और फिशरमैन होएगा कॉमन। डायमंड होता है मटेरियल, रोहन का आएगा प्रॉपर, विजडम और स्ट्रेंथ होता है एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ऑनेस्टी एब्स्ट्रैक्ट नाउन। नेक्स्ट है आपका अ शोल ऑफ फिश, मछलियों का झुंड। अ हर्ड ऑफ कैटल, अ फ्लॉक ऑफ शीप, अ प्राइड ऑफ लॉयंस, अ स्वार्म ऑफ बीज, अ बैंड ऑफ म्यूजिशियन, अ गैंग ऑफ थीव्स, अ शावर ऑफ रेन। नेक्स्ट है आपको मटेरियल और एब्स्ट्रैक्ट नाउन को पिकअप करना है। सबसे पहले मटेरियल, गोल्ड, कॉटन, सिल्वर और मिल्क, ये क्या है, सामान, मटेरियल नाउन है। और नेक्स्ट है आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ब्यूटी, एंगर, विजडम और डेप्थ। ये है आपका चैप्टर सेकेंड जो कंप्लीट हो गया।